कहते हैं बलदाव के क्रोध से मच जाता था हाहाकार। कान्हा भी डरते थे भाई से। कहते हैं कि एक बार कौरव और बलराम के बीच किसी प्रकार का कोई खेल हुआ। इस खेल में बलराम जी जीत गए थे, लेकिन कौरव यह मानने को ही नहीं तैयार थे। ऐसे में क्रोधित होकर बलराम जी ने अपने हल से हस्तिनापुर के संपूर्ण भूमि को खींचकर गंगा में डुबोने का प्रयास किया था। तभी ये आकाशवाणी हुई कि बलराम ही विजेता है। सभी ने सुना और इसे माना। इससे संतुष्ट होकर बलराम जी ने अपना हल रख दिया। तभी से वे हल धर के रूप में प्रसिद्ध हुए।